सुंद महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। हाई गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माई वीडियो। सो मेरी मॉम ने पूरा डेकोरेशन किया है, ये पूरा जैसे कि आप देख सकते हो माउंट एवरेस्ट बनाया है, फिर पूरा ये फेक स्नो का इफेक्ट दिया है, और मेरी मॉम ने पूरा नेपाल का थीम रखा था ये साल गणेश चतुर्थी के लिए हमारे, और ये हमारे घर पे 21st गणेश चतुर्थी था, मतलब 21st ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी। सो ये है आर्ट, और हाँ बजे बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो ना, बोलो ना, अरे बजे कैमरा शाय हो गई। तो ये पूरा आर्ट है ये पूरा, और मॉम हर साल डेकोरेट करती है, कुछ ना कुछ नया थीम करती है गणेश चतुर्थी के टाइम, और ये साल 21st ईयर था तो मॉम ने कुछ स्पेशल करना था उनको, तो उन्होंने नेपाल का थीम किया, क्योंकि हम नेपाल। इस आर्ट के आर्टिस्ट से हम बात करते हैं। अरे बाप रे, तो ये क्या मॉम? ये नेपाल का ही स्टाइल है, मतलब नेपाल में नेपाल के घरों में जहाँ पे वो कोई भी अच्छा फंक्शन होता है, शादी बोलो, पूजा पाठ बोलो, घर का कोई भी अच्छा प्रसंग होता है, तभी ये इस तरह से दरवाजा में रखा जाता है। पानी भरा है कलश में और ऊपर से फूल रखा है, इट्स गुड साइन, पॉजिटिव वाइब आता है इससे। ये ब्रिज, ये इसे झुलंगे पुल नाम है, इसको झुलंगे पुल बोलते हैं, तो ये बहुत फेमस है वहाँ पे, वहाँ पे हर विलेजेस में देखने को मिलेगा। ये ब्रिज है तो यहाँ से पब्लिक, वहाँ के लोग इस तरह से चल के जाते हैं, तो ये मैंने एक डमी जैसे जैसे ना डॉल, एक्चुअली डॉल फैमिली, तो वो मैंने रख दिया है ताकि पब्लिक बाहर से हमारे जितने भी गेस्ट आए तो उनको समझ में आए कि ये ब्रिज है, यहाँ से जाना आना करते हैं। बजे ये ब्रिज कॉमन है, बहुत फेमस है नेपाल में, जब बजे ने भी अप्रूवल दे दिया। आप गए हो कभी वो ब्रिज में? आप गए हो ब्रिज में? नहीं, मैं तो बस ही नहीं, डर लगता है। अच्छा, बजे को डर लगता है, आप गए हो चाचू? नहीं, मैं भी नहीं गया। चाचू को भी डर लगता है? मैं गई है, मैं 3 बार गई हूँ,
मैं जो जो जगह पे गई थी वहां पे मैंने ये ब्रिज में मैं स्पेशली इस यहाँ से उस तरफ थोड़ा सा छोटा पहाड़ था तो मुझे जाना और आना मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये जो ये कैनकेन है, ये कैनकेन जो स्कर्ट्स में घाघरा लहंगा में यूज करते हैं वो कैनकेन मैंने लिया है। और ये नीचे का जो है ना, ये मुझे टीवी का कार्डबोर्ड जो यूज नहीं था किसी ने फेंका था, फिर वो मैंने लेके उसमें से मैंने ये निकाला कट करके और उसके ऊपर मैंने सीढ़ी दिखा पेंट किया, डार्क ब्राउन पेंट करके उसको मैंने वो लुक दिया है। हाँ, और ये कपड़े हैं, ये छोटे छोटे ऐसे मैंने कटिंग किए हैं, अपना सादा नॉर्मल कपड़ा है जो पूजा के लिए यूज करते हैं वो मैंने, ये वहाँ का फ्लैग है जो बुद्धिस्ट फ्लैग बोलते हैं वो है ये, तो वो मैंने ऐसे क्रिएट किया लगाया है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो मैंने यूज करके कर लिया, बर्फीला पहाड़ तो वो भी मैंने इस तरह से बनाया है, छोटे छोटे जो डब्बे काम के नहीं है, प्लास्टिक के डब्बे है उसमें मैंने सैंड भरा और फिर सूखे हुए लकड़ी लेके। और ये मम्मी ने नेपाल का फ्लैग बनाया क्या? हाँ, ये अपने हाथ से क्राफ्ट पेपर का मैंने बना के लिया है नेपाल का फ्लैग। और ये कॉटन के ऊपर नहीं, उसके अंदर क्या है ये कपड़ा, व्हाइट कपड़ा? हाँ, व्हाइट बेडशीट यूज किया है, व्हाइट बेडशीट के ऊपर फिर ये कॉटन डाल दिए सारे, तो वो एक लुक आ गया। और ये ओरिजिनल लुक देने के लिए ब्राउन कलर यूज किया गया है, स्प्रे कलर। वाह वाह, इसी तरह ये ग्रीनरी दिखाया है और ग्रीनरी में फेक स्नोज मैंने ऐड कर दिया। ये नेपाल के पूजा में यूज किया जाता है सारे, एज अ डेकोरेशन मैंने लिया है। पशुपतिनाथ मंदिर का पोस्टर लगा दिया है, घर में ये फ्लैग्स लगा दिए। ब्रदर इन लॉ है जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है ये कटिंग करके देने में सब, तो उनके हेल्प की वजह से मैंने बहुत अच्छे से ये कर पाई मैं। नेपाल का प्राइड है, इसका नाम है खुकरी, इसको खुकरी बोलते हैं, इसको अंदर से ऐसा होता है। और अगर आप ऐसे इंडियन आर्मी में देखोगे जो गोरखा रेजिमेंट है, यूके आर्मी में जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें जो गोरखाली लोग है उन लोग इसमें कुकरी डांस भी करता है। हाँ, कुकरी ये प्राइड है नेपाल का। यस, इस तरह से कुशन कवर्स वहाँ पे इस तरह से डिजाइन किया हुआ मिलेगा आपको नेपाल का, तो ये मैंने थोड़ी कोशिश की है। तो ये नेपाल से है? नहीं, ये इंडिया से है, बट मैंने देखा हुआ है वहाँ पे ऐसा यूज करते हैं इसलिए फिर तो आपने थोड़ा सा इंस्पायर होके अपने इधर थोड़ा सा रिक्रिएट करने का ट्राई किया, ढूंढ के मैंने एक एग्जीबिशन से ढूंढ के लिया। बीच के साथ साथ ना ये फेक पानी भी बनाया, नीचे कॉटन है इसके और ऊपर से जिलेटिन पेपर है उसका मैंने, हाँ उसकी वजह से ये नदी का लुक दिया है। ब्रिज है तो नदी तो होना चाहिए ना नीचे। आपने इतना अच्छा किया और आप 21 इयर्स से आप कर रहे हो, हर साल गणपति के लिए कुछ नया नया थीम का डेकोरेशन करते हो, ये करते हो वो करते हो, अगर इन फ्यूचर आपको कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा ऐसा इवेंट है, ये है वो है, आप थोड़ा डेकोरेशन में हेल्प करोगे या आइडिया दोगे तो क्या करोगे आप? यस, मैं करूंगी। और अगर किसी को पूरा इंटीरियर ही आपसे करना है वो भी करने को रेडी हूं मैं। सो गाइस, मेरी मॉम ने जैसे कि हर साल एक नया थीम बनाती है और ऐसे डिजाइन करती रहती है अच्छे अच्छे, तो अगर आपको भी ऐसे सीखना है या अगर आपको ऐसे चाहिए कि आपके गणपति फेस्टिवल में या आपके बर्थडे में या कुछ भी इवेंट में ऐसे थीम्ड इंटीरियर हो तो आप मेरी मॉम को उनके दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी में डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप मुंबई से बाहर हो तो मॉम आपके साथ वीडियो कॉल भी करेगी और आपको समझाएगी कि क्या कर सकते हो टाइप्स, है ना? यस यस, श्योर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। ये हमारा नेपाली ट्रेडिशनल है, अगर हमारे पास है तो आप समझ जाओ हम नेपाली है।